हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग रेडियो बटन के बारे में जानेंगे। अब बटन सॉरी सॉरी रेडियो बटन इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ ऑप्शंस ऑफ विच ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड। इट इज डिस्प्लेड एज अ सर्कल विच व्हेन सिलेक्टेड डिस्प्लेस अ डॉट इन द मिडिल। इसमें इनपुट टाइप इक्वल रेडियो आप लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि रेडियो का मतलब क्या होता है, रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं। रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए आप इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। इसमें आप टाइप एट्रीब्यूट में लिखते हैं रेडियो, तो आपको ये रेडियो बटन क्रिएट करके देता है। इसमें हम लोग इसको पहले सेव कर लेते हैं, इसको देखते हैं रन करके, ठीक है। रेडियो बटन होता क्या, तो ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका है रेडियो बटन। इसको हम लोग एक नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नेम दे रहा हूँ मेल, ठीक है। एक और मैं रेडियो बटन क्रिएट कर देता हूँ, फीमेल के नाम से। हम लोग जेंडर सेलेक्ट करते हैं मेल फीमेल, तो वही हो गया। ये रेडियो बटन के थ्रू हम लोग इसको ऑप्शन दे सकते हैं। इसको सेव किया मैंने, इसको मैं रन कर रहा हूँ। इसमें हम लोग नहीं, ठीक है ओके। अब इसको गूगल क्रोम में रन करते हैं, तो ये मेल या फीमेल में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है आपका यूज़र या फिर आपका आपकी जो साइट का विजिटर है वो, ठीक है। तो इसमें एक रेडियो बटन में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि आपने यहाँ मेल में सेलेक्ट कीजिए क्या, और आप इसमें फीमेल सेलेक्ट करके देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, जबकि हम लोगों का रेडियो बटन होना चाहिए कि दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो। वाई? बिकॉज एक यूज़र या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ओके। एक अदर भी हम लोग रख सकते हैं, बट मेल या फीमेल दोनों में से, यानी कि अगर तीन भी ऑप्शन है तो तीनों में से एक ही होगा, एक ही बंदा मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है, बट उसको हम लोग अदर में रखते हैं या फिर जो भी हम लोग कहते हैं उसको, ओके। सो यानी कि कहने का मतलब यहाँ कि अगर आपने दो रेडियो बटन बनाया है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसमें से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। आप मतलब जो कॉलम है आपका डेटाबेस का जो कॉलम होगा, उस कॉलम में एक ही वैल्यू जाना चाहिए। यहाँ दोनों सिलेक्ट हो गया तो एक जो आपका डेटाबेस में जो टेबल का जो आपके टेबल में जो कॉलम होगा, वो कॉलम में ये दोनों वैल्यू चला जाएगा एक ही पर्सन की, यानी कि वो मेल भी और फीमेल भी हो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से वह एक ही हो सकता है। इसमें सेंस क्या आ रहा है, सेंस ये आ रहा है कि एक बंदा या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि दोनों में से एक ही वैल्यू हमारे डेटाबेस के टेबल में जाना चाहिए। जबकि यहाँ दोनों ही वैल्यू सिलेक्ट हो जा रहा है, दोनों ही हमारा चला जा रहा है। इसको हम ठीक कैसे करते हैं, देखिए यहाँ आप नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, नेम इक्वल स्टेटस, ओके। स्टेटस या फिर जेंडर लिख सकते हैं आपके आपका जो भी कॉलम का नाम है उसके नाम के अनुसार। हालांकि यहाँ कॉलम का नाम मायने नहीं रखता है, बट यहाँ पर मैं कॉलम का नाम कहता हूँ जिससे कि आप इसको ठीक तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका कॉलम का नाम और यहाँ का नाम दोनों सेम होना चाहिए। इसको हम लोग देखेंगे कि अलग होने से क्या होता है और सेम होने से क्या होता है, जब मैं आपको एक प्रॉपर साइट क्रिएट करके बताऊँगा, जिसमें हम लोग डेटाबेस से क्रिएट करेंगे अपने वेब पेज का फिर फॉर्म को, ओके। सो फिलहाल देखते हैं कि अभी हमारा जो ये इफेक्ट है उसमें क्या असर पड़ा। देखिए इसमें पहले कुछ देर पहले क्या हो रहा था, देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए इसमें कुछ देर पहले क्या हो रहा था कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि दोनों सेलेक्ट हो जा रहा था, अभी क्या हो रहा था कि ये इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए दोनों ही सेलेक्ट हो जा रहा है। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेम दे देते हैं, ओके। नाउ इसमें भी हम लोग नेम दे देते हैं, ओके। इसको सेव करते हैं और इसको अब रन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया, दोनों में से अब एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये अभी क्या समझ रहा है कि ये डिफरेंस अभी भी ये एक ही है, बट इसको एक प्रॉपर नेम मिल गया, जिससे कि ये समझ पा रहा है कि आप दोनों में से एक को ही सेलेक्ट करना है, यानी कि ये एक ही कॉलम में जाएगा और दोनों में से एक को ही आपको सेलेक्ट करना है, ये रेडियो बटन है बिकॉज, इसीलिए, ठीक है। यहाँ आप अगर अलग अलग नाम लिखते हैं, अगर अलग अलग आप सोच रहे हैं कि यहाँ हम लोग अगर मेल लिखें फिर मेल वन या फिर फीमेल वन लिखें, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग लिखें और इसको हम लोग अभी फिर इसको पहले कट कर देते हैं और फिर से इसको अगर हम लोग रन करें, तो फिर से दोनों ही सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज अब ये समझता है कि अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दो अलग अलग जगहों पर जाकर सेव होंगे, लेकिन ये दो अलग अलग जगहों पर जाकर सेव नहीं होने, दोनों में से ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो कॉमन है, बट दोनों में से सिर्फ एक ही जाकर सेव होना चाहिए इस पर्टिकुलर टेबल में, जो कि स्टेटस या फिर जेंडर जो भी आप लिख सकते हैं,
ओके आई होप कि ये समझ में आ गया, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इतना ध्यान रखिएगा जब भी आप रेडियो ऑर्डरिंग क्रिएट करते हैं तो यहाँ आप नेम जरूर दीजिए, ठीक है, जैसे कि आपका दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो। क्लियर है, सेव तो किया ही है मैंने। ओके यहाँ भी कर सकते हैं और दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। ओके सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।